Hello everyone, welcome back to Placement Buddies. Let me welcome you all to another episode of Let's Hear from the Experience Season 2. And today, in order to share his interview experience with AMNS, we have Gopal with us. Hello Gopal, welcome to Placement Buddies. Hi, thanks for having me. How are you, man? I am good. What about you? Yeah, fine. Doing good. Gopal, hamare audience ko apne baare mein kuch batao. Yeah, so hi everyone. My name is Gopal Devnath and I'm from Agartala, Tripura. So I have completed my BTech in Mechanical Engineering from NIT Agartala, and I have got placed in AMNS on 2021. So now I am working as an assistant manager in AMNS in Odisha. So yeah, that's pretty much about it. Okay. So Gopal, AMNS kab aayi thi hamare campus mein, and what was the eligibility criteria for that? Yeah, so I don't remember the exact date, but as far as I know, like as far as I can remember, AMNS came in between April to May, I think so. Mm-hmm. Yeah, so the eligible criteria was you have to be minimum 6.5, you should have minimum 6.5 CGPA, and also you shouldn't have any backlogs. Guys, before we move ahead, you might not know that many of you, about 93% of you, do not subscribe to the channel. Please subscribe to our channel. Turn on the notifications, do press the bell icon. I request you all. Now let's continue. So the first criteria was the aptitude test, obviously. We had some, you know, typical aptitude question and also some technical questions from from basic mechanical branch. So if you pass the aptitude test, there was technical interview and followed by two consecutive HR interviews. ओके सो जो एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था उसमें यू हैड क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांटिटेटिव लॉजिकल वर्बल एबिलिटी एंड देन कम्स टेक्निकल तो यही एप्टीट्यूड लॉजिकल वर्बल एबिलिटी का प्रिपरेशन तुमने कहाँ से किया था एंड लाइक व्हाट वाज योर प्रिपरेशन रिसोर्सेज एंड व्हाट वर योर स्ट्रेटजी बेसिकली तो बेसिकली जो एप्टीट्यूड का जो रीजनिंग वगैरह जो भी है तो मेरे पास एक्चुअली एक बुक था तो आई डोंट रिमेंबर द ऑथर इट्स सम अग्रवाल Okay. बुक था आरएस अग्रवाल हाँ वो एक्चुअली बहुत फेमस मतलब काफी लोग फॉलो करते हैं तुम्हें पता ही होगा बेसिकली सबके पास ही वो वाला बुक था तो वो वाला काफी मतलब काफी हेल्पफुल बुक है और यूट्यूब तो है उसके लिए आई थिंक लाइक फॉर मी अकॉर्डिंग टू मी यूट्यूब इज बेस्ट फॉर ऑल दिस यूट्यूब इज बेसिकली बेस्ट सो उसके लिए मतलब वही था यूट्यूब और ये आरएस अग्रवाल वाला बुक एंड देन टेक्निकल राउंड में या फिर टेक्निकल सेक्शन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आए थे एंड लाइक व्हाट वाज बेसिकली फ्रॉम मैकेनिकल मेनली मटेरियल्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस ज्यादा आए थे मटेरियल साइंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स से भी आया था मटेरियल साइंस थर्मोडायनेमिक्स देन या थ्योरी ऑफ मशीन्स ओके एंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम डिजाइनिंग That's all. उससे मतलब इतना ज्यादा ब्रॉड नहीं था कि सारे सब्जेक्ट्स आए बट बेसिकली उस वाले पार्ट में लोगों ने फोकस किया ज्यादातर आए थे क्वेश्चंस तो लाइक मतलब वो क्वेश्चंस किस टाइप के थे कि कोई भी बच्चा क्लास के नोट्स अगर फॉलो करेगा या फिर टेक्स्ट बुक्स फॉलो करेगा वो सफिशियंट था उसके लिए कि कुछ अलग से प्रिपेयर करना रहता था ना आई वुड से बेसिकली अलग से कुछ चाहिए नहीं था इफ यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट सो आई थिंक यू विल बी प्रीटी मच एबल टू आंसर ऑल लाइक एवरी क्वेश्चन लाइक उतना भी टफ नहीं था बट मैं वो भी नहीं बताऊंगा कि उतना इजी था मतलब मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे सो यू वाज लाइक इफ यू हैव बेसिक नॉलेज एंड यू नो न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने का मतलब आपको आता है फॉर्मूलास वगैरह जो भी है उसके रिलेटेड जो भी अगर आपको आता है सो आई थिंक बेसिकली आप कर सकते हैं एटलीस्ट यू नो इफ Let's say if there were 10 questions, at least 8 on 8 या 9 तो आप आंसर कर ही पाएंगे अगर आपके पास वो बेसिक नॉलेज वगैरह है Understood. मतलब like 10 to 15% were on the harder side, बाकी were solvable. Yeah, correct. Understood. ठीक है. तो like वो test कौन सा platform में हुआ था? कुछ याद है क्या? Platform AMNS का एक actually एक inbuilt platform है उनका platform का नाम याद नहीं आ रहा है but उनका एक खुद का एक inbuilt platform है तो उसमें basically जो जो normal requirements होते हैं कि webcam वगैरह होना चाहिए sound on रहना चाहिए और test देने के time पे आपका मतलब जो भी है मतलब आपका face और आपके हाथ जो है वो show होने चाहिए
करेक्ट, तो जो कि मतलब नॉर्मल ऑलमोस्ट हर एक, कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स में जो रूल हाँ होते हैं वो सारे हैं। जो रूल्स होते हैं बेसिकली वही था एग्जैक्टली। ओके, सो मूविंग अहेड, उसके बाद वंस यू वेर एलिजिबल, मतलब टेस्ट के बाद इंटरव्यू हुआ, ठीक है। सो टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड लाइक व्हाट वर द सोर्सेस ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर दैट? या बेसिकली क्या है, एएमएनएस में इंटरव्यू देने से पहले मैंने थोड़ा एएमएनएस के बारे में पढ़ा था। सो इट्स अ स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सो बेसिकली दे विल लाइक दे वुड लव लव इफ यू फोकस ऑन लाइक मटेरियल साइंसेस व्हिच बेसिकली डील्स विद आयरन एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मटेरियल साइंसेस। उसके अलावा जो भी डिजाइनिंग वगैरह का या फिर थियो मशीन्स जो भी है उसके रिलेटेड मैंने ज्यादा पढ़ा था। सो ड्यूरिंग टेक्निकल इंटरव्यू दे एक्चुअली आस्क्ड मी व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैंने मटेरियल साइंस अच्छा पढ़ा था, तो इसलिए मैंने कहा यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस फ्रॉम मटेरियल साइंस। ओके, सो फ्रॉम मटेरियल साइंस दे ऑलमोस्ट आस्क मी अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस। ओके, दे इनफैक्ट दे स्टार्टेड विद वन ऑफ द लाइक आई वुड से मोस्ट आस्क क्वेश्चन, एक्सप्लेन आयरन कार्बन डायग्राम। ओके, देखिए मटेरियल साइंस का मतलब बेसिक चीज आयरन कार्बन डायग्राम, हर एक जगह पे हमारे कॉलेज के एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते थे उससे। तो लाइक दे टोल्ड मी दैट यू हैव टू एक्सप्लेन आयरन कार्बन डायग्राम विदाउट ड्रॉइंग इट। ओके, तो हाँ विदाउट ड्रॉइंग इट यू हैव टू एक्सप्लेन आयरन कार्बन डायग्राम, कौन सा फेस कहाँ पे है, ये क्या हो रहा है, इस टेम्परेचर में क्या हो रहा है, तो आई हैव टू एक्सप्लेन दैट। उसके अलावा तो जो जो मैं आंसर देता जा रहा था दे बेसिकली आस्क क्वेश्चन फ्रॉम माई आंसर ओनली। ओके, फॉलो अप क्वेश्चंस, फॉलो अप क्वेश्चंस, तो उसके रिलेटेड वो कंटिन्यूअस क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। सो हाँ, अगर आप आपके मतलब आपको आता है मटेरियल साइंस थोड़ा, मतलब बेसिक चीज आता है, तो आई थिंक यू वुड बी एबल टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। तो ये बेसिकली मेन पार्ट था। तो उसके बाद दे मतलब उनको भी थोड़ा बहुत मतलब समझ में आ गया था कि बंदा स्टील रिलेटेड बात ही कर रहा है। okay. तो उन्होंने कहा टेल अस अबाउट वन सब्जेक्ट व्हिच इज नॉट स्टील ओरिएंटेड। ओके, मतलब उन लोगों को भी समझ में आ गया ये चीज। तो ओके, आई सेड यू कैन आस्क मी क्वेश्चन फ्रॉम आईसी इंजिन्स। सो बेसिक क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू नो इंटरनल कंबशन एंड like what is the difference between petrol engine and diesel engine, what is flash point, to matlab jo jo basic questions hain ICE ke to wo ye puche gaye mujhse। so I would say matlab ha agar basic kind of knowledge hai aapke paas, thoda bahut aapke subject ke upar aapka grasp hai, so then you can crack it, I would say you can crack it। okay, to jaise you have mentioned about say theory of machines या फिर मटेरियल साइंस या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स, तो वो सब्जेक्ट्स के लिए डिड यू हैड एनी लाइक स्पेसिफिक प्रिपरेशन कि मैंने ये सब्जेक्ट के लिए ये यूट्यूब चैनल फॉलो किया या फिर ये रिसोर्स फॉलो किया, और वाज इट लाइक नॉर्मल ठीक है टेक्स्ट टेक्स्ट बुक्स और क्लास नोट्स के ऊपर ही इट वाज रिलायबल? इट इज एक्चुअली लाइक अभी एक्चुअली सबको ये बात समझ में आ गया होगा अभी तक, मतलब जो भी स्टूडेंट जो भी फाइनल ईयर में जो भी पढ़ रहा है कि सिर्फ क्या बोलते हैं क्लास नोट या फिर टेक्स्ट बुक मॉडल से कुछ होता नहीं है। आपको यूट्यूब वगैरह या फिर जो भी है उससे फॉलो करना ही पड़ेगा। राइट, या क्लास नोट्स और ये टेक्स्ट बुक ने तो बहुत हेल्प किया ही है, आई वुड डेफिनेटली से दैट। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल्स अभी है, एक्चुअली इसके रिलेटेड बहुत सारे चैनल्स है, लाइक मैकेनिकल में तो आपको मतलब पूरा मैकेनिकल के हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको इंडिविजुअल चैनल्स मिल जाएंगे। राइट, तो हाँ, तो उसके रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोज देखे, मैंने उन वीडियोज के बेसिस पे नोट्स बनाए, लाइक आई हैव टू मेक माई ओन नोट्स, लाइक मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसमें से, क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्या क्या पॉइंट आउट कर सकता हूँ मैं, उसके लिए मैंने नोट्स वगैरह बनाए थे। सो या बेसिकली मैं तो कहूंगा दोनों ने ही हेल्प किया है, वो टेक्स्ट बुक के अलावा होगा ही नहीं कुछ भी, क्लास लेक्चर्स एंड ऑल, और उसके अलावा भी आई वुड से यूट्यूब। 2 to 3 YouTube channels which you will recommend to our viewers, like ये YouTube channel से आपने इस particular subject का अच्छे से prepare किया था, ऐसा कुछ अगर याद आ रहा है तो? Yes, so basically I actually wouldn't recommend आप, क्योंकि हर एक YouTube channel का जो मतलब content है ना वो अपने आप में unique है। आपको जिससे अच्छा लगता है, आपको जो लगता है कि उससे आप समझ सकते हैं, like मैं जिस YouTube channel से समझ सकता हूँ ऐसा नहीं है कि बाकी लोग भी समझ जाएंगे। राइट, तो उसके अलावा आप दूसरे चैनल से भी, ऐसा नहीं है कि कोई गलत पढ़ा रहा है, अरे हर एक यूट्यूब चैनल से ही पढ़ा रहा है। तो मैं कहूंगा जस्ट डू योर ओन रिसर्च रिलेटेड टू दैट, आपको जो चैनल अच्छा लगे, आपको मतलब जिस चीज से आपको समझ में आए, बेसिकली जो जिसके टीचिंग स्टाइल के साथ कंपेटेबल हो, कौन से चैनल किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए यूजफुल खड़ा होता है।
ओके, तो मोर और लेस ये अपना टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू था. उसके बाद जैसे आपने बताया कि देर वेर टू एचआर राउंड्स ऑफ इंटरव्यू, तो एचआर राउंड्स में लाइक हाउ वाज द राउंड वन डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड, एंड लाइक व्हाट वर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड टू यू. Basically, after I got selected in the technical round, they sent an email to me that you have been selected for AMNS after the technical round. So your HR rounds will be scheduled as this. तो first one was a telephonic round. Just उन्होंने मुझे फोन किया. So उसमें basic questions जो HR round में पूछते हैं like are you willing to relocate or not? If you would be comfortable, अगर आप मैंने आपको आपके घर की location से कहीं दूर अगर आपको deploy किया है. So like all these type of questions. तो उसके अलावा भी मुझे और एक चीज पूछा, ये क्या बोलते हैं, हाँ, व्हाट आर योर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, आप नेक्स्ट अपने मतलब करियर में 5 साल या फिर 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं. तो और भी इसे, और उसके बाद सेम और 2-3 दिनों में मुझे ये क्या बोलते हैं ऑनलाइन वाला देना पड़ा, ये एचआर इंटरव्यू. उसमें भी बेसिकली उसी टाइप ऑफ क्वेश्चन ही पूछे गए, मतलब आपका वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है. सो मैं लाइक आई वुड से फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लाइक इफ समवन आस्क यू व्हाट यू एक्सपेक्ट ऑफ यूरसेल्फ आफ्टर लाइक 5 और 10 इयर्स, सो लाइक मैंने उस टाइम जो आंसर दिया था कि आई सी माइसेल्फ एज सम काइंड ऑफ ए टीम लीडर. लाइक मैंने लाइक आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि ऐसा नहीं बोलना है कि मैं 5 या 10 साल में मैं मैनेजर बन जाऊंगा या फिर सीईओ बन जाऊंगा. सीईओ तो डेफिनेटली नहीं, मतलब जो भी है मैं कोई ऐसे पोजीशन पे चला जाऊंगा. लाइक आई थॉट कि लेट अस से समथिंग व्हिच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर रियलिस्टिक रियलिस्टिक काइंड ऑफ थिंग. सो आई सेड दैट या आई एम सीइंग मायसेल्फ एज अ टीम लीडर लीडिंग अ टीम ऑफ यू नो यंग ग्रेजुएट्स और मे बी यू नो पीपल या समथिंग लाइक दैट. सो आई मैंने सो बेसिकली जो इसके मतलब जो यूट्यूब वगैरह में आप देखते हैं ना जो जो रिलेटेड मतलब एचआर इंटरव्यू में जो जो पूछे जाते हैं, सो बेसिकली इट वाज काइंड ऑफ लाइक दैट ओनली. सो लाइक दो राउंड्स वेयर मोर और लेस सेम ही थे. इट वाज जस्ट दैट एक टेलीफोनिक इन नेचर था, दूसरा इट वाज लाइक वीडियो इंटरेक्शन. डिफरेंट क्वेश्चंस थे बट काइंड ऑफ जो जो क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करते हैं वही पूछा गया. लाइक आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, मतलब कॉमन नेचर क्वेश्चंस. कॉमन नेचर क्वेश्चंस. हां, एक एक क्वेश्चन तो बेसिकली जो मैक्सिमम कोर कंपनीज पूछती है वो है आर यू विलिंग टू रिलोकेट. तो उसमें अगर आप कहे कि मतलब उसमें अगर आप बोल दे ये बात कि नहीं देखिए मुझे अपने घर के पास ही डिप्लॉय किया जाए तो सही है, इट वुड मीन ए नेगेटिव, मतलब थोड़ा नेगेटिव पड़ जाता है उनके दिमाग में क्योंकि ये बात गलत सही नहीं है क्योंकि आपको डिप्लॉय किया जाएगा आपके कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से. रिक्वायरमेंट के हिसाब से आज आप, हाँ, सो मैनेजमेंट विल डिसाइड वेयर टू डिप्लॉय. और ऐसा नहीं है कि आपको डिप्लॉय करके लोग भूल जाते हैं, कंपनी विल टेक केयर ऑफ यू. सो आप उसी हिसाब से आप ऐसा जवाब तो डेफिनेटली आपको देना चाहिए कि या आई एम विलिंग टू रिलोकेट और मतलब डेफिनेटली कंपनी विल टेक केयर ऑफ मी, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन रिलोकेटिंग. करेक्ट. या मतलब ऐसे टाइप ऑफ कुछ कुछ हटके क्वेश्चंस भी होता है जो सिर्फ और सिर्फ कोर कंपनीज ही पूछती है. करेक्ट करेक्ट. हाँ, बिकॉज कभी कभी कोर कंपनीज में लोकेशन रिमोट होती है या फिर यू विल हार्डली गेट, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू से NIT अगरतला और द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. नॉर्थ ईस्ट के टूवर्ड्स मतलब अपॉर्चुनिटीज काफी कम ही है, सो दे विल ऑब्वियसली लुक फॉर कि आप नॉर्थ इंडिया में या फिर अराउंड समवेयर लाइक वेस्ट और नॉर्थ आप रिलोकेट करने के लिए रेडी हो या नहीं. नाउ इफ यू आर विलिंग टू वर्क फॉर योर कंपनी, इफ यू वॉन्ट टू सी अ बेटर फ्यूचर फॉर यू, देन या ऑब्वियसली यू शुड बी विलिंग टू रिलोकेट. ओके गोपाल, सो लाइक आफ्टर एचआर इंटरव्यू इट वॉज कंक्लूडेड एंड यू गाइज वर सिलेक्टेड, एंड आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड इन AMNS, लाइक हाउ डज इट फील, लाइक हाउ इज द वर्क कल्चर एंड मतलब डे टू डे एक्टिविटीज में क्या करना होता है आप लोग को. या सो आफ्टर माय सिलेक्शन उसके बाद ऑफर लेटर आया दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड टू AMNS, एंड हमें रिपोर्ट करना था, एक सर्टेन डेट दे दिया हम लोगों ने, तो हमें रिपोर्ट करना था टू गुजरात हजीरा. ओके, यहाँ पे हमारा मेन जो ऑपरेशन है स्टील मेकिंग ऑपरेशन वो हमारे हजीरा में है. ओके, सो फ्रॉम माय कॉलेज ऑलमोस्ट 6 to 7 पीपल्स वर सिलेक्टेड. तो हम सब गए उधर, तो वहां पे हमारा पहले इंडक्शन हुआ. सो वी आर सिलेक्टेड एज ए GET ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग. सो वहां पे हमारा इंडक्शन वगैरह हुआ, ऑलमोस्ट 1 month तक चला इंटरव्यू, मतलब इंडक्शन. हाँ, सो इन इंडक्शन बेसिकली ये काइंड ऑफ फन एक्टिविटीज ही है, उसमें आपको कंपनी ओवरव्यू दिया जाएगा, कंपनी से क्या क्या प्रोसेसेस है, क्या क्या
कहाँ कहाँ पे हमारा ऑपरेशन चल रहा है, क्या क्या हमारा प्लान है, कहाँ कहाँ पे हमारे फैक्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज वगैरह लगे हुए हैं, क्या क्या हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, जैसे ऑपरेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया, जो जो हो गया, तो उसके रिलेटेड आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा हर एक डिपार्टमेंट से। सो उसके बाद कुछ फन एक्टिविटीज भी थे, बहुत सारे कॉम्पिटिशन वगैरह ऑर्गेनाइज किए गए थे हमारे लिए, आउटबाउंड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे, तो इट वॉज लाइक फन, इट वॉज फन। सो आफ्टर वन मंथ द मैनेजमेंट विल डिसाइड वेयर टू डिप्लॉय यू, सो आपको उस हिसाब से बोल दिया जाएगा कि आपका डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ पे होने जा रहा है। जैसे मेरा डिप्लॉयमेंट यहाँ पे उड़ीसा में हुआ है, या सो मेरे बैच से बहुत सारे लोगों को उड़ीसा में डिप्लॉय कर दिया गया, तो उसके बाद आपको उड़ीसा आना है, तो आप आके आपका मैनेजमेंट डिसाइड करेगा आप कौन से डिपार्टमेंट पे रहेंगे, व्हाट विल बी योर रोल एंड दैट। सो बेसिकली इन जीटी फेज आई वुड से आप मतलब इट्स बेसिकली अबाउट लर्निंग, क्योंकि जीटी फेज में आपके इतना एक्सपीरियंस है नहीं, ऑल यू हैव इज योर कॉलेज डिग्री एंड बेसिकली व्हाट यू हैव लर्न्ड इन कॉलेज, सो उतना इन फील्ड एक्सपीरियंस आपको है नहीं। सो जीटी फेज में व्हाट यू शुड फोकस इज यू शुड ट्राई टू ग्रैप्स व्हाटएवर यू आर you know seeing in all the day to day activities of what your seniors are doing, right? ha suppose aapko operations mein de diya gaya to aapke office definitely aapke seniors honge, wo aap seekhiye wo kaise kaise kya kya kaam kar rahe hai ya fir hamara kya kya chal raha hai aapke department ke hisab se, to aap wo seekhiye gt phase mein basically wo hi karna hota hai, aur uske ilawa bhi agar aapko task to diya jayega definitely aapke manager se, so use sab side by side task bhi karte rahiye, to bhi gt matlab gt phase mein wo hi karna hota hai। राइट, सो गोपाल लाइक बिफोर कंक्लूडिंग दिस सेशन, एनी पर्टिकुलर टिप्स व्हिच यू वांट टू गिव टू आवर जूनियर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एएमएनएस और से एनी कोर कंपनी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग? यस, सो माय टिप्स वुड बी लाइक एटलीस्ट ट्राई टू हैव टू और थ्री सब्जेक्ट्स वेल प्रिपेयर्ड, मतलब बेसिकली आपको जहां पे मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे इस वाला ये वाला कंपनी पसंद है तो मुझे ये पे जॉब करना है, ऐसा नहीं है, आपको वहां पे आपका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। सो उसके लिए आप एक मतलब एक अपने आप को एक डाइवर्सिफाई करके रखिए कि एटलीस्ट दो या तीन सब्जेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल एंड आई वुड से आल्सो फ्रॉम आईटी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आईटी, जैसे आई वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन आईटी, तो मैंने कंप्यूटर साइंस के बारे में बहुत सारे प्रोग्रामिंग वगैरह जो भी है डाटा स्ट्रक्चर भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा था, तो अभी याद नहीं है जो भी है, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ बैकअप ना, गुड टू हैव अ बैकअप। और मैकेनिकल में भी अगर आपको कोर में आपका इंटरेस्ट है तो कोर में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, कुछ कुछ कंपनी स्टील बेस्ड है, कुछ कुछ कंपनी ऑयल बेस्ड है, कुछ कुछ कंपनी सिर्फ कंस्ट्रक्शन बेस्ड है, तो एज पर कंपनीज रिक्वायरमेंट आप कुछ कुछ सब्जेक्ट्स अपने आप से प्रिपेयर करके रखिए जो कि मतलब आपके इंटरव्यू में काम आएगा या फिर आपके टेक्निकल इंटरव्यू में या फिर एप्टीट्यूड वगैरह में आपका काम आएगा। उसके अलावा भी आप बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसका भी थोड़ा थोड़ा रखिए, मतलब जो बेसिक नॉलेज वगैरह है उसका भी थोड़ा बहुत रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू, जैसे मैंने कहा मेरे इंटरव्यू में मतलब जो उनकी रिलेटेड चीजें ऐसा ही नहीं पूछा है, कुछ हटके भी पूछा जा सकता है, तो बेसिकली आपको उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन लेना चाहिए। सो या दैट्स ऑल, मतलब ठीक है चिल, जस्ट मतलब अच्छे से पढ़ना है और कुछ नहीं है, बाकी सब हो जाता है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है, बाकी सब हो जाएगा। राइट, और जैसे गोपाल लास्ट क्वेश्चन, जैसे तुमने बताया कि अराउंड अप्रैल टू मई वो कंपनी आई थी एंड आई होप लाइक कोर कंपनीज बहुत लेट ही रिक्रूट करने आती है कैंपस प्लेसमेंट्स के दौरान, सो लाइक फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से लास्ट ईयर जून जुलाई या फिर से अगस्त सितंबर से प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट हो गई होगी एंड द नेक्स्ट ईयर यू आर गेटिंग प्लेस्ड, तो उतना टाइम तक अपने आप को पेशेंट रखना तुमने लाइक बेसिकली क्या है कि एक दो एक्चुअली मतलब 2021 में क्या हुआ कि एक दो लाइक यू डेफिनेटली नो बिकॉज यू आर वन ऑफ द प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स, कुछ कुछ कोर कंपनीज पहले भी आए थे जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सो आई वाज लाइक डेफिनेटली सैड तो हो गई। उसके अलावा आईटीज में भी बहुत सारे कंपनीज आ रहे थे और मेरे को बेसिकली था मतलब मुझे आता था प्रोग्रामिंग बट स्टिल मैं कुछ भी क्रैक नहीं कर पा रहा था, लाइक टेक्निकल इंटरव्यू में सिलेक्ट मतलब ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैं टेक्निकल इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया था, एचआर इंटरव्यू में मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। करेक्ट, सो इट्स काइंड ऑफ लाइक फ्रस्ट्रेटिंग कि अबे यार मतलब इतना अच्छे से मैं बोल रहा हूँ, इतना अच्छे से मैं कर रहा हूँ, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो यू नो पेशेंस रखना है, ऐसा नहीं है कि ठीक है बहुत सारे कंपनीज ने मुझे रिजेक्ट कर दिया इसका मतलब मेरा कुछ होने वाला नहीं है। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, लास्ट मोमेंट में भी बहुत लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ है। करेक्ट, हर एक ब्रांच में हुआ है, लास्ट मोमेंट पे जब प्लेसमेंट मतलब खत्म हो जाएगा तब भी बहुत कंपनीज आए मतलब
लास्ट मोमेंट में रिक्रूटमेंट हुआ है. सो पेशेंस इज द की, आपको पेशेंस रखना है, अपने आप में भरोसा रखना है और जस्ट गो अहेड, चलते रहो बस, कभी ना कभी हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा. सो दैट्स इट. या All right, Gopal, thanks a lot for sharing your interview experience and coming to Placement Buddies. We wish you all the best for your future endeavors. Yeah, pleasure is all mine. Thank you for having me. Yeah. Okay. Thank you.